नमस्कार, मैं प्रिया। धड़ाधड़ 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को। केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने लालू यादव से जुड़े 17 ठिकानों पर छापेमारी की। बताया जा रहा है कि लालू यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और बेटी मीसा भारती के पटना, गोपालगंज और दिल्ली स्थित जगहों पर यह छापेमारी की गई है। सीबीआई ने शुक्रवार सुबह एक साथ ये कार्रवाई शुरू की थी। सीबीआई ने यह कार्रवाई भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों में की है। भारत में एक दिन में 2259 और लोगों के कोरोना वायरस से संक्रमित पाए जाने से महामारी के कुल मामलों की संख्या 4,31,31,822 हो गई है, जबकि उपचाराधीन मरीजों की संख्या कम होकर 15,044 रह गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के शुक्रवार सुबह 8 बजे तक के अद्यतन आंकड़ों के अनुसार 20 और मरीजों के जान गंवाने से मृतकों की संख्या 5,24,323 पर पहुंच गई है। उपचाराधीन मरीजों की संख्या संक्रमण के कुल मामलों का 0.03% है, जबकि कोविड 19 से स्वस्थ होने की राष्ट्रीय दर 98.75% है। ज्ञानवापी मस्जिद के वजू खाने में मिला काले रंग का पत्थर शिवलिंग है या फव्वारा, उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में इस समय यह सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। 3 दिन तक मस्जिद परिसर में सर्वे के बाद रिपोर्ट कोर्ट में पेश कर दी गई है। इसमें एक तरफ जहां मस्जिद परिसर में जगह जगह स्वास्तिक, त्रिशूल, डमरू, कमल और शेषनाग जैसे हिंदू प्रतीक चिन्हों के मिलने की बात कही गई है, तो वजू खाने में मिले पत्थर के बारे में विस्तार से बताया गया है। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने उदयपुर में हाल ही में संपन्न हुए कांग्रेस के चिंतन शिविर को विफल करार दिया है। एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि मुझे बार बार उदयपुर चिंतन शिविर के परिणाम पर टिप्पणी करने के लिए कहा गया है। मेरे विचार से ये यथास्थिति को बढ़ाने और कांग्रेस नेतृत्व को कुछ समय देने के अलावा कुछ भी सार्थक हासिल करने में विफल रहा। ऑस्ट्रेलियाई मूल के सिंगापुर के विस्फोटक बल्लेबाज टिम डेविड के लिए आईपीएल 2022 का सीजन भले ही अच्छा नहीं रहा हो, लेकिन पिछले कुछ मैच में उन्होंने आक्रामक रवैया अपनाया है। मुंबई इंडियंस ने इस बार आईपीएल नीलामी में डेविड पर 8.25 करोड़ रुपए खर्च किए थे। उन्होंने पिछले मैच में सनराइजर हैदराबाद के खिलाफ 18 गेंदों पर 46 रनों की विस्फोटक पारी खेली थी। इस दौरान उनके बल्ले से 4 छक्के और 3 चौके लगाए। स्कूली छात्रों को भीषण गर्मी और लू से बचाने को लेकर शिक्षा निदेशालय ने सर्कुलर जारी कर दिया है, जिसमें केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों का हवाला दिया गया है। इसमें छात्रों को गर्मी के प्रभाव से बचाने के लिए निजी और सरकारी स्कूल को सावधानियां बरतने और उपाय अपनाने को लेकर सलाह दी गई है। साल 2022 में पद्मश्री अवार्ड पाने वाले किन्नर एक वाद्य यंत्र कलाकार दर्शनम मोगलिया ने पुरस्कार लौटाने की धमकी दे दी है। साथ ही उन्होंने भारतीय जनता पार्टी राजनीति के लिए उनका इस्तेमाल करने के आरोप लगाए हैं। खबर है कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर के समर्थन के चलते भाजपा कलाकार से नाराज है। साल 2015 में तेलंगाना में सरकार ने मोगलिया को मन माढ़ नाम उगादी पुरस्कार से भी सम्मानित किया था। कांग्रेस के नेता नवजोत सिंह सिद्धू को रोड रेज के मामले में 1 साल की सजा हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को यह फैसला सुनाया था और आज नवजोत सिंह सिद्धू सरेंडर कर चुके हैं। इस बीच उनके विरोधी कहे जाने वाले पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर राजा वडिंग उनके समर्थन में आगे। अमरिंदर राजा ने ट्वीट किया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हुए मैं अपने सीनियर साथी नवजोत सिंह सिद्धू के प्रति अपना समर्थन जताता हूँ। ज्ञानवापी मस्जिद मामले में आज शाम सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस बीच आज जुमा पर ज्ञानवापी में नमाजियों की भीड़ भी जुटी। प्रशासन भी अलर्ट मोड पर रही। प्रशासन ने ज्ञानवापी मस्जिद के इंतजामिया कमेटी में जुमे के दिन शांतिपूर्वक नमाज अदा कराने में सहयोग की अपील की है। इसके साथ ही ज्ञानवापी परिसर की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई थी। भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक को संबोधित करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को बड़ी नसीहत दी है। उन्होंने कहा है कि हम सभी लोगों को विकास के मुद्दे पर डटे रहना है और कोई कितना भी भटकाने की कोशिश कर ले, हमें अब उनके जाल में नहीं फंसना है। इसके साथ ही उन्होंने नेताओं और कार्यकर्ताओं को वाणी पर भी नियंत्रण रखने की नसीहत दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जुबान को इधर उधर फिसलने नहीं देना है, कोर मुद्दों पर काम करना है, हमें कभी भी भटकना नहीं है। आजम खान को 27 महीने बाद जेल से बाहर आने की कितनी खुशी मिली है, इसका अंदाजा शुक्रवार को उनकी बॉडी लैंग्वेज से मिला। सफेद कुर्ते पैजामे पर काली सदरी और काली टोपी के साथ आजम अपने चिरपरिचित अंदाज में मुस्कुराते निकले। जेल से बाहर आने से पहले उन्होंने शेव भी कर रखी थी। आजम के जेल से बाहर आते ही रात से ही उनका इंतजार कर रहे समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया। दोनों बेटों और शिवपाल सिंह यादव के साथ ही तमाम पुराने संगी साथियों को देख आजम की मुस्कुराहट जल्द ही चेहरे की खिलखिलाहट में बदल गई। हिना खान कांस फिल्म फेस्टिवल 2022 में पहुंची हैं, वहां से उनकी खूबसूरत तस्वीरें सामने आ रही हैं। अब हिना खान ने एक इंटरव्यू के दौरान एक बड़ी गड़बड़ी का खुलासा किया है। उन्होंने वहां सिस्टम को भेदभावपूर्ण कहा और बताया कि कान में इंडियन पवेलियन की ओपनिंग सेरेमनी में जाने को नहीं मिला। हिना ने बताया कि उन्हें अपनी फिल्म का पोस्टर लॉन्च करना था, उन लोगों को पता था, सब लोग वहां थे, लेकिन हिना को दर्शकों के बीच तक बैठने का मौका नहीं मिला। वो बोली कि मैं वहीं से अपने साथियों को चीयर कर लेती, लेकिन उनके साथ भेदभाव हुआ। हिना ने सिस्टम को संभ्रांतवादी बताया। पेगासस जासूसी मामले में
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को जांच पूरी करने के लिए एक महीने का और समय दिया है। शीर्ष अदालत ने जांच पूरी करने और रिपोर्ट जमा करने के लिए अदालत द्वारा नियुक्ति पैनल के लिए 20 जून तक का समय बढ़ा दिया है। अदालत के पूर्व न्यायाधीश आरवी रविंद्रन की अध्यक्षता वाली समिति ने अदालत को सूचित किया है कि कई पत्रकारों और विशेषज्ञों के साथ बातचीत के अलावा 29 मोबाइल उपकरणों की जांच की गई है। संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज IIT मद्रास में भारत के पहले 5G ऑडियो और वीडियो कॉल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। पूरे नेटवर्क को भारत में डिजाइन और विकसित किया गया है। मंत्री ने खुद यह जानकारी दी। वैष्णव ने ट्विटर पर कहा कि IIT मद्रास में 5G कॉल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। संपर्क एंड टू एंड नेटवर्क भारत में डिजाइन और विकसित किया गया है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर जल्दी पहुंचने के बाद दक्षिण पश्चिम मानसून केरल की तरफ बढ़ रहा है और मौसम विभाग ने अगले सप्ताह के मध्य तक प्रदेश में इसके दस्तक देने की संभावना जताई है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने गुरुवार की शाम को बताया कि सप्ताह के अंत तक केरल में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के लिए स्थितियां अनुकूल बनी रहेगी। एयर इंडिया के प्रवक्ता ने बताया है कि बृहस्पतिवार को दूसरे विमान से यात्रियों को उनके गंतव्य बैंगलोर के लिए रवाना किया गया है। सूत्रों के मुताबिक उड्डयन नियामक नागर विमान महानिदेशालय इस घटना की जांच कर रहा है। एयर इंडिया के A320 नियो विमानन में SCFA के लीप इंजन लगे होते हैं। A320 नियो विमान के पायलट को सुबह 9:43 पर छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से विमान के उड़ान भरने के कुछ ही मिनट बाद एक इंजन में गड़बड़ी की चेतावनी मिली। NIA की चार्जशीट में खुलासा हुआ है कि बेंगलुरु में ISIS में युवाओं को भर्ती कराने की कवायद चल रही है। आरोपी जोहैब मन्ना और अब्दुल कादिर ने करीब 28 लोगों को इस्लाम कबूल कराया था। ये पता चला है कि युवाओं को एक डिनर पार्टी में आमंत्रित किया गया, जहां उन्हें ISIS में शामिल होने के लिए प्रेरित किया गया। असम में बाढ़ की स्थिति और बिगड़ गई है और इससे एक अन्य व्यक्ति की जान जाने की खबर सामने आई है। प्रदेश के 27 जिले और यहां रहने वाले करीब 7.18 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की दैनिक बाढ़ रिपोर्ट के अनुसार नगांव जिले के कामपुर राजस्व क्षेत्र में एक व्यक्ति की डूबने से जान चली गई। इसमें कहा गया है कि इसके अलावा कामपुर में 2 और लोग लापता हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद विवाद को लेकर दाखिल याचिकाओं पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई होगी। जस्टिस प्रकाश पाटिल की सिंगल बेंच दोपहर 12 बजे सुनवाई शुरू करेगी। आज की सुनवाई में स्वयंभू भगवान विश्वेश्वर हिंदू पक्ष की तरफ से सबसे पहले दलीलें पेश की जाएंगी। बीते 28 अप्रैल से पाम तेल के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने के इंडोनेशिया के फैसले ने भारत में पाम तेल की आपूर्ति का आधा हिस्सा संकट में डाल दिया है। इंडोनेशिया का दुनिया का सबसे बड़ा कच्चा पाम तेल का उत्पादक और निर्यातक है, जिसकी वजह से कीमतों में वृद्धि की आशंकाओं ने जन्म ले लिया है, क्योंकि रूस यूक्रेन युद्ध की शुरुआत के बाद से खाद्य तेल की कीमत विश्व स्तर पर बढ़ी है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने दोहराया है कि कश्मीर मुद्दा एक राजनीतिक समस्या है और किसी फैसले से इसका हल नहीं किया जा सकता। मोहम्मद यासीन मलिक को दोषी करार दिए जाने के मुद्दे पर मीडिया के सवालों के जवाब में पार्टी ने एक प्रवक्ता से कहा कि विकास कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा है, लेकिन हमें इस तथ्य को नहीं भूलना चाहिए कि यह कश्मीर की राजनीतिक समस्या को हल नहीं कर सकता और ना ही करेगा। कर्नाटक में सत्तारूढ़ भाजपा ने स्वतंत्रता सेनानी और शहीद सरदार भगत सिंह पर आधारित पाठ में पाठ्यक्रम से हटाने के मामले में यू टर्न ले लिया है। सूत्रों के मुताबिक सरकार ने हर तरफ से विरोध को भांपते हुए ये कदम उठाया। भगत सिंह से संबंधित पाठ को अब पाठ्य पुस्तक में रखने का निर्णय लिया गया है। डॉक्टर रेड्डीज लैबोरेटरीज अपने एक खुराक में दिए जाने वाले स्पुतनिक लाइट टीके को सभी को बूस्टर खुराक के रूप में देने की अनुमति लेने के लिहाज से जून के आखिर में या जुलाई शुरुआत में औषधि नियामक के पास जाने पर विचार कर रही है। कंपनी ने गुरुवार को ये बातें कही हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गुरुवार को सेंट विसेंट एंड ग्रेनेडाइंस के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात की और सूचना प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन और संस्कृति के क्षेत्रों में सहयोग मजबूत करने पर चर्चा की है। अपनी 2 कैरेबियाई देशों की यात्रा के दूसरे चरण में यहां पहुंचे कोविंद ने सेंट विसेंट एंड ग्रेनेडाइंस के गवर्नर जनरल जेम्स सुसान डोगेन और प्रधानमंत्री रॉल्फ गोंजाल्वास से मुलाकात की। शिवसेना ने ज्ञानवापी मस्जिद मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है। मुखपत्र सामना में प्रकाशित संपादकीय के जरिए शिवसेना ने कहा कि इन मुद्दों के जरिए ही भाजपा 2024 लोकसभा चुनाव इन मुद्दों पर लड़ेगी। साथ ही पार्टी ने भारत की तुलना फ्रांस से की और काशी मथुरा मामले को लेकर कश्मीर घाटी में हिंदू पंडितों के दमन का मुद्दा उठाया है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार के खिलाफ सोशल मीडिया पोस्ट पर पुलिस कार्रवाई का एक और मामला सामने आया है। खबर है कि ठाणे पुलिस नासिक में एक युवक को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज चुकी है। खास बात यह है कि इससे पहले मराठी एक्ट्रेस केतकी चिताले के खिलाफ भी इसी तरह की कार्रवाई हुई थी। उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के शनिवार से अरुणाचल प्रदेश के 2 दिवसीय दौरे पर जाने की उम्मीद है। 21 मई से 22 मई तक पूर्वोत्तर राज्य की 2 दिवसीय यात्रा के दौरान गृह मंत्री सार्वजनिक कार्यक्रम में भाग लेंगे, विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और भारत तिब्बत सीमा पुलिस और सशस्त्र सीमा बल के कर्मियों के साथ बातचीत करेंगे।
बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और अध्यक्ष लालू प्रसाद के 17 ठिकानों पर शुक्रवार को सीबीआई की अलग अलग टीम की छापेमारी से राजद नेता और कार्यकर्ता गुस्से में हैं। राजद कार्यकर्ताओं ने पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास के सामने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। राजद नेताओं ने सरकार पर लालू प्रसाद परिवार को परेशान करने का आरोप लगाया है। वहीं दूसरी तरफ सीबीआई की छापेमारी पर सवाल भी उठ रहे हैं। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा 21 मई को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर अपना राजीव क्रांति अभियान शुरू करने जा रही है। इस अभियान का उद्देश्य युवाओं से जुड़ना है। AISCC के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि हमने पार्टी के सभी शीर्ष नेताओं को आमंत्रित किया है। प्रियंका जी दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में होने वाले कार्यक्रम को संबोधित करेंगी। कुछ अन्य नेता भी भाषण देंगे। भारत में ओमिक्रॉन BA.4 का पहला मामला इस महीने की 9 तारीख को हैदराबाद में दर्ज किया गया। भारतीय SARS-CoV-2 कंसोर्टियम ऑन जीनोमिक्स ने गुरुवार को यह खुलासा किया है। INSACOG का कहना है कि दक्षिण अफ्रीका से आए एक डॉक्टर को ओमिक्रॉन BA.4 वेरिएंट का पता चला है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर ने हमारे सवालों का सही जवाब दिया है उनके नाम है नन्नू कुमार, कल्याणी चौधरी, कुश कुमार यादव, प्रिया यादव ऑफिशियल, मुकुंद टेक संजीत, नीतीश कुमार, ध्रुव कुमार, सत्येंद्र कुमार। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार गर्मी के बढ़ते असर के बीच क्या आपके जिले में स्कूल कॉलेज बंद हुए हैं या नहीं? अपने जवाब में कॉमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही के लिए बस इतना ही। प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।